एवरी वन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज। आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड का फर्स्ट जो ग्लैंड है, फंडिक ग्लैंड, इसके ऊपर कि ये फंडिक ग्लैंड कैसे होते हैं और इसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम और अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोज़, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और इससे पहले का जो टॉपिक है हमारा फंडिक ग्लैंड से पहले का, वो आप देख सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड जो है वो स्टमक के जो ये फंडिक रीजन होता है, यहाँ पे पाया जाता है ये ग्लैंड। तो हम लोग बात करेंगे कि ये कैसा होता है। तो फंडिक ग्लैंड जो होते हैं ना, ये लॉन्ग और ट्यूबुलर ग्लैंड होता है। लॉन्ग एंड ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक, यानी कि थोड़ा इस टाइप का ये ग्लैंड होगा। ओके, ये तो सब बहुत सिंपल सा चीज़ है, लॉन्ग और ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेल्स ऑफ फंडिक ग्लैंड, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये जानना है कि किस रीजन में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जब आप सेल्स जानोगे तब आप जानोगे कि उस सेल से क्या क्या सिक्रीट हो रहा है हमारे स्टमक में, क्योंकि सेक्रीशन जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने बस फंडिक ग्लैंड जाना, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर होते हैं। सेकेंड हम लोग जानेंगे सेल्स ऑफ फंडिक ग्लैंड, इसमें 5 तरह के सेल्स पाए जाते हैं हमारे फंडिक ग्लैंड्स में। सबसे जो फर्स्ट सेल है वो हो गया आपका चीफ सेल, जिसको कि हम लोग टैप्सिनोजेन सेल भी बोलते हैं। ओके, जो दूसरा सेल है, ये जो चीफ सेल है ना, ये पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन कराता है, जो कि आप जो पेप्सिनोजेन खाते हो, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में चेंज कराता है, प्रोटीन में रहता है। तो ये चीफ सेल का एक्शन स्पेशली आपके जो भी प्रोटीनस फूड रहता है उसके ऊपर होता है। जो दूसरा ग्लैंड है वो है पैराइटल सेल। जिसको कि हम लोग ऑक्सेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। इससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है, तो ये पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। जो तीसरा सेल है वो है म्यूकस नेक सेल। इस म्यूकस नेक सेल से म्यूसिन का सिक्रीशन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, और ये म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। इन सारे जो सेल्स का सिक्रीशन है उसके ऊपर हम एक अलग से ब्रॉड में, बड़ा में वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस हम शॉर्ट में आपके माइंड में छोटा छोटा चीज़ डाल देते हैं कि ये छोटा छोटा इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो म्यूकस सेल आपका म्यूकस सेक्रीशन करेगा आपके स्टमक के जो वॉल पे HCl का एक्शन ना हो उसको बचाने के लिए, वहाँ पे म्यूकस सेक्रीट करता है। जो चौथा सेल है जिसको कि हम लोग ईसी सेल बोलते हैं, ईसी सेल मतलब हो गया इंटरोक्रोमाफिन सेल्स, और एक सेल होता है ECL सेल, यानी कि इंटरोक्रोमाफिन लाइक सेल। ये 5 तरह का आपका सेल फंडिक ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। ECL सेल जो है आपके हिस्टामिन का सेक्रीशन करता है, जो कि आपके एसिड सेक्रीशन को बढ़ाता है। तो ये 5 के अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि हम लोग फर्दर आगे वीडियो में देखेंगे। अभी बस आपको ये जानना है कि ये 5 टाइप ऑफ सेल्स जो है वो फंडिक ग्लैंड में पाए जाते हैं। ओके,